हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फाइंड। यहाँ 1 से लेके 8 तक क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनके अंदर फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल होता है, जब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड होती है तो पहला जो फ्रैक्शन है वो हम सेम टू सेम लिखते हैं और बीच में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और अगले वाले फ्रैक्शन का इन्वर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा। यहाँ 1/2 है ना, तो इसका हो जाएगा 2/1। बस सिंपली यही एक चीज़ है जो आपको डिविजन्स के अंदर याद रखनी होती है, फ्रैक्शंस के डिविजन के अंदर। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। मल्टीप्लाई में अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ें कट रही हैं तो हम काट देंगे, नहीं तो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 5 से ये 2 2 में से कोई कट तो रहा नहीं है, तो 2 2 4 तो हो गया है ऊपर, और नीचे 5 1 5 हो गया, तो ऊपर छोटा नंबर आ गया, तो यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 4/9 / 2/3, तो 4/9 सेम टू सेम रहेगा, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 2/3 इनवर्स होके 3/2 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 9 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 3 और 3 3 9, ये दो कट गए। 2 और 4 भी आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2 और 2 2 4। ऊपर तो आ गया है 2 multiply 1, यानी 2 1 2 और नीचे 3 multiply 1, 3 1 3, तो ये इसका आंसर हुआ। जब आपका नंबर ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो वही आपका आंसर होता है, अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 3/7 / 8/7, तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, अगले का उल्टा हो जाएगा, तो ये 8/7 7/8 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, ऊपर नीचे मुझे 7 कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 7 1 7 और 7 1 7, 3 और 8 आपस में नहीं कट सकते, तो 3 multiply 1, ऊपर तो आंसर आ गया 3 1 3 और नीचे 1 multiply 8, यानी 8 1 8, तो ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट में चलते हैं, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो जब भी आपका मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो तो उसे आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जरूर बना लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद ही आपका सॉल्यूशन आ सकता है। तरीका ये होता है, इन दो की मल्टीप्लाई होती है जो बीच में और नीचे होता है, 3 2 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, तो ये जो बनता है ये ऊपर वाली चीज़ बनती है, नीचे सेम टू सेम वही रहता है जो यहाँ पर होगा। डिवाइडेड बाय 3/5, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको चेंज किया है, अब यहां से मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा, अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का बन गया है। तो 7/3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 3/5 का इनवर्स होके 5/3 हो जाएगा। अब 3 से ना 7 कटता ना 5 कटता, तो यही ऑप्शन है मेरे पास कि ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 35 और नीचे 3 3 9। अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर आ गया है, जब ऊपर आपका बड़ा नंबर आ जाए ना तो आप उसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर बना दें, उससे आंसर एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है। तो 35 को 9 से डिवाइड करूँगा, 9 3 होता है 27 और माइनस करूँगा तो 15 में से 7 गया तो 8, तो ये जो 3 है ना ये होल नंबर है, ये 3 मेरा बीच में लिखा जाएगा, यानी 3 तो पक्के पक्के हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे रहेगा और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे रहता है। तो जब आपका ऊपर बड़ा नंबर हो तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन ज़रूर बना लिया करें। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट के अंदर डिवाइड करना है 3/1/2 को 8/3 से, यहाँ भी मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा पहले, तो 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ा 7, तो 7 ऊपर हो गया नीचे 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 8/3। अभी मैंने सिर्फ इसकी फॉर्म ठीक की है, सॉल्यूशन अभी यहाँ से शुरू करूँगा मैं, तो 7/2 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 8/3 का 3/8 हो जाएगा। अब 2 से ना 3 कटता ना 7 और 8 से ना 3 कटता ना 7, तो 7 3 21 ऊपर आ जाएगा, 8 2 16 नीचे आ जाएगा। अब 21 जो है ऊपर ये बड़ा नंबर है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, तो 21 की 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 16 माइनस करके 5 आ गया, तो ये जो 1 है ये मेन आंसर है, ये बीच में लिखा जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे नीचे ही रहता है, रिमाइंडर वाली चीज़ इसके ऊपर आ जाती है, ये इसका आंसर हुआ।
आगे बढ़ते हैं, 2/5 को डिवाइड करना है 1/1/2 से। तो पहले तो मैं इसे ठीक ही कर लेता हूँ, अभी मैं सॉल्यूशन शुरू नहीं करूँगा, सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज करूँगा इस मिक्स फ्रैक्शन को। तो 2 1s are 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 रहेगा। अब यहाँ से सॉल्व करूँगा, 2/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और 3/2 का उल्टा होके 2/3 हो जाएगा। अब 5 से 2 नहीं कटता, 3 से भी 2 नहीं कटते हैं, तो ऊपर 2 2s are 4 हो गया और नीचे 5 3s are 15 हो गया। 2 2s are 4 और नीचे 5 3s are 15, और ऊपर छोटा नंबर है, तो ये यहीं पे सवाल ख़त्म हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। इसमें दोनों के दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इन दोनों को मैं ठीक कर लेता हूँ। 5 3s are 15, 15 में 1 जोड़ा तो 16 ऊपर आ गया और नीचे 5। डिवाइड का एज इट इज़ डिवाइड, यहाँ 3 1s are 3, 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 ऊपर आ गया और नीचे 3 एज इट इज़। अभी मैंने सॉल्यूशन के लिए सवाल को तैयार कर लिया। अब यहाँ पे मैं अपना रूल लगाऊंगा कि पहला नंबर यानी पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और अगला नंबर इनवर्स हो जाएगा, तो 5/3 का 3/5 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 से 3 नहीं कटता और 16 भी नहीं कटता, तो सिंपली ऑप्शन यही है, 16 3s are ऊपर तो हो गया 48 और 5 5s are 25 नीचे बन गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो डिवाइड कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को बना लेंगे, तो 25 1s are 25 होता है और माइनस करके 23 आ गया, तो जो 1 है ये तो मेन आंसर है, 25 नीचे है, नीचे ही रहता है फ्रैक्शन में, और जो रिमाइंडर है वो इसके ऊपर लगेगा, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी 2 1/5 डिवाइड बाय 1 1/5, दोनों के दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो पहले इन्हें ठीक कर लेता हूँ मैं। 5 2s are 10, 10 में 1 जोड़ा 11, तो 11 तो ऊपर आ गया, नीचे 5 रहेगा। डिवाइड का डिवाइड, 5 1s are 5 और वो 1 जोड़ दिया तो ऊपर हो गया 6, नीचे 5 का 5। अब 11/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 6/5 का 5/6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, 5 से 5 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11, ऊपर आ गया 11, 6 1s are 6, नीचे आ गया 6। अब 11 यहाँ पे बड़ा है तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूँ, 6 1s are 6 माइनस करके 5, तो 1 मेरा मेन आंसर है, ये बीच में लिखा जाएगा, 6 नीचे है, नीचे ही रहेगा, और रिमाइंडर जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है, तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।